Hello, my dear students of class 3. Today I am going to start the first chapter of English grammar, and this is chapter number 1. Look at the heading of the chapter. What is the heading? The heading is alphabetical order. What is the meaning of alphabetical order? Dekho, alphabetical order ka matlab hota hai. See, English alphabet mein 26 letters hai. Ye tum log chote class mein bhi padhe ho. कि इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर 26 अल्फाबेट्स. क्या क्या है? जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स. 24 अल्फाबेट्स. सॉरी, मैंने 26 कहा था. देयर आर 24 अल्फाबेट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. अल्फाबेटिक ऑर्डर में वर्ड्स लिखना क्या मतलब होता है इसका? अल्फाबेटिक ऑर्डर में वर्ड्स लिखने का मतलब होता है कि पहले हम ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को लिखेंगे, उसके बाद बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को लिखेंगे, उसके बाद सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को लिखेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. दिस इज कॉल्ड राइटिंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो लुक एट दिस. मैं आई विल गिव यू टू एग्जाम्पल्स. मैं दो एग्जाम्पल करके दूंगा, बाकी तुम्हारा होमवर्क है जो घर में करना पड़ेगा. जैसे देखो, हियर यू हैव सिक्स वर्ड्स. यू हैव द पिक्चर ऑफ सिक्स फ्रूट्स. छह फल का नाम है और छह फल का नाम नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है. मैंगो, ऑरेंज, पियर, गुआवा, वाटरमेलन एंड एप्पल. तो हमको क्या करना है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है. तो लेट अस लुक एट द फर्स्ट. तो हम क्या करते हैं, हर एक नाम का पहला अल्फाबेट देखते हैं. यहां पे पहला अल्फाबेट क्या है? ए. यहां पे पहला अल्फाबेट क्या है? डब्ल्यू. यहां पे पहला अल्फाबेट क्या है? जी. यहां पे पहला अल्फाबेट क्या है? पी. यहां पर पहला अल्फाबेट क्या है? ओ. यहां पर पहला अल्फाबेट क्या है? एम. तो हमको देखना है कि इंग्लिश जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जिस हिसाब से इंग्लिश लेटर्स अल्फाबेट्स में आते हैं, उसमें सबसे पहला फर्स्ट अल्फाबेट विच इज द फर्स्ट अल्फाबेट. ऑब्वियसली देखो, सबसे पहले आता है ए, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे. व्हाट वी विल राइट फर्स्ट? हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एप्पल, क्योंकि ए सबसे पहले आता है. फिर देखो, ए बी सी डी ई एफ जी. बी से कोई वर्ड नहीं है, सी से कोई वर्ड नहीं है. यू डोंट हैव एनी वर्ड विद डी. देर इज नो वर्ड विद ई. देर इज नो वर्ड विद एफ. बट देर इज अ वर्ड विद जी. तो देखो, ए के बाद यहां पे सिर्फ स्ट्रेट जी आता है. तो सेकंड में हम लोग क्या लिखेंगे? वी विल राइट गुआवा. अब इसी तरह से तुमको देखना है कि कौन सा अल्फाबेट पहले आता है, उस अल्फाबेट का जो वर्ड है उसको पहले लिखना है. इस हिसाब से, इन दिस वे यू हैव टू अरेंज द वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट लेट अस गो टू द नेक्स्ट पिक्चर. जस्ट एज यू हैड द नेम्स ऑफ फ्रूट्स हियर, जिस तरह से यहां पे फलों का नाम लिखा था, उसी तरह से यहां पर एनिमल्स के नाम लिखा है. लेकिन एक चीज देखना है. देखो, यहां पर इन दिस एक्सरसाइज हर एक वर्ड का पहला वर्ड, पहला अल्फाबेट जो है, पहला लेटर जो है वो अलग था. और ये जो पहला लेटर है, ये पहला लेटर अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, उस हिसाब से हमने पहला ये वर्ड्स को हमने सजाया था. बट हियर यू सी दैट इन ऑल द वर्ड्स द फर्स्ट वर्ड इज पी. द फर्स्ट अल्फाबेट, द फर्स्ट लेटर इज पी. देखो, पैरट, पिजन, पीकॉक, पपी, पेंगुइन, पांडा, पैंथर, पेलिकन, ये सेम है. तो यहां पर इन एनिमल नेम्स को या बर्ड नेम्स को हम जब सजाएंगे, तो ऑब्वियसली फर्स्ट अल्फाबेट के हिसाब से हम नहीं सजा पाएंगे, बिकॉज सारे नाम का जो पहला अल्फाबेट है इट इज द सेम. तो हमें यहां पे क्या करना है, हम अब दूसरा अल्फाबेट देखेंगे. तो देखो, पैरट पी के साथ ए है. ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक नंबर में आता है ए. लेकिन मुसीबत क्या है,
पैंथर में भी ए है, पांडा में भी ए है। तो अब हम कौन से को आगे लाएंगे? तो अब हम चले जाएंगे थर्ड अल्फाबेट में। थर्ड अल्फाबेट देखो, इसका क्या है आर, इसका क्या है एन, इसका क्या है एन। तो आर और एन में कौन सा आगे आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो आर और एन में एन आगे आता है, तो मतलब ये पैरेट बाद में जाएगा, पैंडा या पैंथर में कोई एक आगे आएगा। यहां पे पैंडा का भी थर्ड अल्फाबेट एन है, फर्स्ट अल्फाबेट पी, इसका भी फर्स्ट अल्फाबेट पी, इसका सेकंड अल्फाबेट ए, इसका भी सेकंड अल्फाबेट ए, इसका थर्ड अल्फाबेट एन, इसका भी सॉरी इसका फोर्थ अल्फाबेट डी है, इसका फोर्थ अल्फाबेट टी है। अब डी और टी में कौन सा आगे आता है? डी आगे आता है। तो इस वाला एक्सरसाइज में हम सबसे पहले लिखेंगे पैंडा, उसके बाद आएगा पैंथर, है कि नहीं? क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, मैंने गलत बोला। देखो यहां पर आर के बाद फोर्थ अल्फाबेट, सॉरी यहां पर नहीं, सॉरी ये वाला देखो पी ए सेम है, यहां पर भी पी ए सेम है, लेकिन इसका थर्ड अल्फाबेट आर है, इसका थर्ड अल्फाबेट एन है, एन आर के आगे आता है, इसलिए पैंडा के पहले हम लोग लिखेंगे पैंथर। क्या लिखेंगे? पैंथर। अब आएगा, नाउ हम लोग आएंगे पैरट पर। तो इसी तरह से बाकी एक्सरसाइज तुमको सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट अल्फाबेट देखो, अगर फर्स्ट अल्फाबेट इज द सेम, फिर सेकंड अल्फाबेट देखो, फिर देखो कौन सा वर्ड का सेकंड अल्फाबेट पहले आता है, हम उसको पहले लिखेंगे, जिस वर्ड का सेकंड अल्फाबेट बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। अगर दो वर्ड का सेकंड अल्फाबेट भी सेम है तो हम लोग थर्ड अल्फाबेट में चले जाएंगे, थर्ड अल्फाबेट जिसका आगे आएगा उसको आगे लिखेंगे, थर्ड अल्फाबेट अल्फाबेट की ऑर्डर में जो बाद में आएगा तो उसको बाद में लिखेंगे, अगर थर्ड अल्फाबेट भी सेम है तो हम लोग फोर्थ अल्फाबेट में चले जाएंगे। इस तरह से मैच करके तुमको बाकी जो एक्सरसाइज है, दिस इज योर होमवर्क, इसको फिल करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर फॉर क्लास 3 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी विल गो टू द